Former Kolkata Knight Riders opener Manvinder Bisla told NNIS Sports how he was included in the playing 11 of the final of the 2012 season just before the game. Bisla, who smashed 89 runs off just 48 deliveries in the 191-run chase for KKR against Chennai Super Kings, played a game-defying knock for his team and won them their first-ever title. Bisla was named the man of the match in the final for his excellent innings. "I was told just before the match, so I didn't think too much about it. I didn't have time really. I hadn't played in a big final, and if I had known, then that would have definitely impacted me and I would have started overthinking things," he added. Bisla also revealed how former South Africa cricketer Jacques Kallis helped him settle in the middle after Gambhir departed for just 2 runs in the first over. Their partnership changed the flow of the match in their favour after the early setback. अगर आप मतलब मेरे से पूछेंगे तो आईपीएल ने बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जितने भी यंग खिलाड़ी हैं, अगर आप बात करते हैं क्रिकेट की, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप टीवी में मैच देखते हैं लगातार, और जितने भी लेजेंड्स होते हैं उनको क्रिकेट खेलते देखते हैं, और उनको आपको लगता है कि यार इनके साथ क्रिकेट खेलनी है, इस गेंदबाज, अगर आप बल्लेबाज हैं तो इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने हैं, ऐसे से टारगेट्स आप अपने लिए सेट करते हैं। और आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप अपने देश के लिए नहीं खेल रहे हैं तो एक आईपीएल में जाके अगर आपका सिलेक्शन होता है और वहाँ खेलने का मौका मिलता है तो आपके सामने या आपकी टीम में ज़रूर लेजेंड्स खेल रहे होंगे, कुछ महान खिलाड़ी खेल रहे होंगे, तो वहाँ पे जाकर आपको जाके अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपका बहुत मनोबल बढ़ता है, और आप फिर है ना यही टारगेट करते हैं कि यार अब मुझे लगातार है ना अपने देश के लिए खेलना है। आपकी सोच है ना वो काफ़ी आगे की हो जाती है कि नहीं यार अब मुझे अपने देश, यहाँ पर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकता हूँ। फाइनल मैच है ना, मेरी और जैक कैलिस की बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई थी और बहुत मज़ा आया था उनसे बल्लेबाजी करके, क्योंकि एक महान खिलाड़ी हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो लगातार बहुत लंबे लंबे रन बनाए हैं उन्होंने, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और उनके साथ एक सबसे अच्छी बात है ना, जब बल्लेबाजी करने के लिए आप पार्टनरशिप उनके साथ कर रहे होते हैं ना तो इतने काम रहते हैं क्रीज के ऊपर कि आपको लगता ही नहीं कि आपकी यार इतना बड़ा मैच खेल रहे हो और आपको कितना लंबा टारगेट चेज़ कर रहे हो, आपका फोकस है ना लगातार बॉल के ऊपर ही चले जाता है, क्योंकि सामने जो खिलाड़ी है वो लगातार बात भी इस तरीके से करता है या आपको एनकरेज भी इस तरीके से खेलता है कि आप गेम को बहुत लंबा ना सोचें, एक बॉल पर फोकस करें और फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। तो सिर्फ उनका लगातार बातचीत भी ही रहती है कि आप इसी बॉल पर फोकस करें और एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करें। अगर हम बात करें 2012 के फाइनल की मैच की आईपीएल में, जब केकेआर फर्स्ट टाइम चैंपियन हुआ, बहुत ही मज़ा आया था वो मैच खेल के, क्योंकि एक तो सीएसके के खिलाफ खेल रहे थे, वो भी चेन्नई में उनके होम ग्राउंड में, हम पहली बार फाइनल में, केकेआर की बात करते हैं, पहली बार फाइनल में पहुंचे थे, मजबूत टीम थी, दोनों ही टीमें बहुत कमाल की थी, और फिर मुझे फाइनल में खेलने का मौका मिला, और उसके अंदर अगर आपकी फिर फाइनल में परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपकी वही परफॉर्मेंस आपकी टीम को जीत दिला सके तो आपको और मज़ा आता है। जी हाँ, बहुत ही वो लम्हा ऐसा था कि वो हमेशा याद रहेगा, जब हम फर्स्ट टाइम चैंपियन हुए, फाइनल में इतनी मजबूत टीम के खिलाफ भी आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, आपकी टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा, और जब पूरे साल मेहनत करते हैं ना, कि आपने जब लगातार लीग फेज की मैचेस की बात करें वो इतने अच्छे मैचेस गए, आपकी टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और आप फिर फाइनल भी जीत जाते हैं, तो आपको बिल्कुल आपको पूरा साल ऐसा लगता है कि नहीं यार जो मैंने मेहनत करी थी या मेरी टीम ने मेहनत करी थी ना वो सफल हो गई यहाँ पे अब। जी हाँ, अगर आप आईपीएल की तीनों ट्रॉफीज़ की बात करते हैं तो जब आईपीएल 2012 के अंदर जब हम जीते थे फर्स्ट टाइम आईपीएल, केकेआर ने जब फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीती थी, वो बहुत ही लम्हा कुछ खास था पूरी टीम के लिए, क्योंकि एक अगर आप देखें ना पहले 3 साल केकेआर के लिए अच्छे नहीं गए थे, जब चौथे साल में एक नई टीम आई, नए कैप्टन आए, कोच भी नए थे, तो वहाँ से फिर एक सोच बदली और वहाँ से फिर लगातार बातचीत यही थी ना कि टीम, कभी भी ये नहीं हमारे दिमाग में आया कि यार इंडिविजुअल क्या है, परफॉर्मेंस का है क्या है, मैं खेलूँगा कि नहीं खेलूँगा, मुझे रन्स बनाने हैं, वो हमेशा टीम के गोल रहते थे। तो जब आप टीम के बारे में सोचते हैं तो आपका प्रदर्शन भी लगातार